सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इस MI Pad 5 में आपको iPad Air का वॉलपेपर कैसा लग रहा है। एंड सर, इस वीडियो में तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आप इस वॉलपेपर को कैसे अपने MI Pad 5 पे लगा सकते हो, लेकिन एक चीज़ और भी आपको बताऊंगा कि आप अपने MI Pad 5 में एक जो बग है या फिर क्या है पता नहीं, क्योंकि MI UI का तो आपको पता है कि बहुत सारा बग्स रहता है, उस बग को भी आप फिक्स कर सकते हो इसमें। आपने देखे होंगे जब आपने अपने पैड को पहली बार खरीदा था, तब जो जब आप इसको मतलब इधर उधर करते थे, मतलब ऐसे करते थे या फिर जो है इसको मतलब सीधा करते थे, तब जो यहाँ पर जो है वॉलपेपर में एक कट आता था, एक ब्लैक यहाँ पर जो है सेपरेशन आ जाता था और बहुत जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगता था वो देखने में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड इसका जो है एक ही सॉल्यूशन है, आपको कोई सा भी एक थर्ड पार्टी वॉलपेपर को जो है अपने पैड पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आता है तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब सिस्टम का जो प्री इंस्टॉल वॉलपेपर होता है वही इसमें होता है, एंड वहाँ से जो है ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है आपको कोई सा भी एक थर्ड पार्टी वॉलपेपर अगर आप इस्तेमाल करते हो, मतलब नॉर्मल वॉलपेपर, मैं आपको कोई यहाँ पर एप्लीकेशन इस्तेमाल करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो रिकमेंड भी नहीं करता, आपके पास कोई पिक्चर वगैरह आप अपना खुद का फोटो अगर लगाते हो तो भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यही इसका मेन चीज़ है, आपको कोई अलग वॉलपेपर जो है MI Pad 5 में सेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ये iPad का वॉलपेपर कैसे लगा सकते हो, क्योंकि मैंने तो है एक वीडियो में अपना थंबनेल बना के ही दिया था कि MI Pad 5 भाई गरीबों का iPad है, तो इससे अगर आपको iPad का पूरा फीलिंग्स लेना है तो भाई iPad का वॉलपेपर तो भाई इसमें सेट करना बनता है, जो कि भाई दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मुझे तो भाई सच में काफ़ी अच्छा लगा है कि मेरे पास जो है मतलब iPad का वॉलपेपर का जो है पूरा सेट है, एंड ये जो है भाई मैंने एक से डेवलपर के साइड से लिया है, एंड उन लोगों ने जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि उन लोगों ने जो है इसको मतलब पूरा जो है मतलब iPad का जो सिस्टम है वहाँ से जो इसको कॉपी किया है ना, आप देख सकते हो एक एक जो वॉलपेपर है उसका साइज 9.5 MB, 9.5 MB, इसका तो 9.8 MB, मतलब 9 से 10 MB के आसपास है, मतलब फुल रेजोल्यूशन का आपको जो है सारे इमेज देखने को मिलता है। एंड इसमें जो है आपको, मैंने इसको सभी को जो लगा के देखा भाई, कोई भी मतलब यहाँ पर जो है मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा इमेज फट रहा है, मतलब पूरा जो है मतलब हाई क्वालिटी का इमेज है। अगर मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊं तो आप देख सकते हो मतलब पूरा जो है मतलब कहीं पे भी आपको देखने को नहीं लगेगा कि भाई इमेज जो है फट रहा है, कहीं पर भी वो फटने फटने का कोई भी जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरा जो है भाई हाई क्वालिटी वाला इमेज है, मतलब बहुत ही बढ़िया भाई इसका इमेज का क्वालिटी है। तो ये तो भाई HD डेवलपर्स को तो इसके लिए तो एक थैंक्स बनता ही है। तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा कहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगा इसमें जो कितना सारा आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है। मैंने जो है कुछ वॉलपेपर को स्पेशली लगाया है जो कि मुझे जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला भी एक वॉलपेपर है, एंड यहाँ पर भी एक वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो आपको सारा कलर्स जो है थोड़ा मिक्स करके मिलता है, ग्रीन भी मिलता है, ब्लू भी मिलता है, एंड पिंक भी मिलता है, ये जो वॉलपेपर है काफ़ी अच्छा है। एंड सर ये नहीं, यहाँ पर जो है आपको ब्लू का वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, जो कि आपको मतलब नॉर्मली जो पिक्चर वगैरह होता है ना वहाँ पर जो है आपको ये वाला वॉलपेपर देखने को मिलता है, तो कि काफ़ी अच्छा है सच में। यहाँ पर जो आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा बात है, मतलब सच में काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप ऐसा भी कर सकते हो मतलब लॉक स्क्रीन पे एक कलर का वॉलपेपर एंड जो यहाँ पर है होम स्क्रीन पे आप अलग वॉलपेपर लगा सकते हो, जो कि मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया है। तो बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाओ, वहाँ पर जो है आपको इस वॉलपेपर का डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो, लगा के देखो, आपका दो इशू जो है फिक्स हो जाएगा। एक तो जो है जो यहाँ पर ब्लैक बैक आता था एनिमेशन कट वगैरह, वो जो है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, आपको वो जो कट जो है देखने को नहीं मिलेगा। एंड दूसरा जो है आप के पास मतलब दूर से अगर कोई देखेगा ना तो भाई बता ही नहीं सकता, वो तो लगेगा भाई ये तो भाई iPad Air ही इस्तेमाल कर रहा है। एंड सर वही नहीं गाइस, मेरे पास जो इसका मोबाइल वेरिएंट भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो मोबाइल पे भी जो है ये काफ़ी बढ़िया लगता है गाइस दिखने में। तो अगर आपको इसका मोबाइल वेरिएंट भी चाहिए जो कि आप शायद अपने MI UI पे लगाओगे, तो भाई डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एंड आप जो ऐसे बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज जो आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है देखने को मिला होगा एंड आपको हेल्प भी मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्यमेव जयते।